सो हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की कुछ सेटिंग करके अपनी रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, जब आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लात रहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो यहां पर हम सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हो, यहां पर हमने अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया है। और गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला, इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। सेकंड, ये कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की वो सेटिंग क्या करनी है जिससे आपकी हर रील्स वीडियो वायरल हो, आपका अकाउंट पर व्यूज आते आते ना रुके। जैसे कि कई अकाउंट पर ऐसा होता है कि भाई 100-200 व्यूज आए, फिर 1000-2000 व्यूज आए, उसके बाद व्यूज स्टक हो जाते हैं, उसके बाद उन पर व्यूज ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको अपने अकाउंट की सही सेटिंग कैसे करनी है जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल हो। और थर्ड, मैं आपको ये बताऊंगा कि रील वीडियो अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाए। एंड गाइस, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं और गाइस, यहां पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हो, यहां पर जो है ना 107,000 फॉलोअर है और सिर्फ 54 पोस्ट है, यानी 54 पोस्ट है, इसमें ही 1,00,000 फॉलोअर हो गए हैं और ये सभी जेन्युइन फॉलोअर है, कोई भी फेक फॉलोअर नहीं है। आप प्रूफ के साथ यहां पर देख सकते हो, कोई भी यहां पर आपको फेक फॉलोअर नहीं मिलेगा। एंड साथ ही यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं व्यूज वगैरह भी, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर मैं कोई भी रील्स प्ले करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो भाई, इस वीडियो पर अभी 13,000 से ज्यादा लाइक है। एंड आप व्यूज भी चेक कर सकते हो, 1,97,000 प्लस व्यूज है इस वीडियो पर। एंड यहां पर यही नहीं है, यहां पर मैं किसी भी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूं आपको। एंड यहां पर आप व्यूज भी चेक कर सकते हो, इस वीडियो पर 50,000 से ज्यादा व्यूज है। तो कुल मिलाकर मैं आपको जो भी यहां पर ट्रिक बताने वाला हूं ना, यहां पर मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखिएगा, इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है और आपको रील वीडियो अपलोड करने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं, कुछ लोगों की इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो इसलिए भी वायरल नहीं होती है क्योंकि वो अपने अकाउंट की कुछ सेटिंग करके नहीं रखते हैं, जबकि इंस्टाग्राम इस चीज के लिए खुद गाइड करता है कि आपको ये सेटिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप वो सेटिंग करके नहीं रखते हो तो भाई आपकी रील्स वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी। और भाई, मैं काफी लोगों के अकाउंट चेक करता हूं, मैंने कितने अकाउंट चेक किए हैं, मैंने जितने भी अकाउंट चेक किए हैं वो लोग अपने अकाउंट की सही से सेटिंग करके नहीं रखते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को बताए, अभी इंस्टाग्राम के नए नए अपडेट आ गए हैं, सभी सेटिंग का इंटरफेस भी सब कुछ चेंज हो गया है। तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अपने अकाउंट की सही सेटिंग करो और आपकी भी रील्स वीडियो वायरल हो। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए आपको अपने अकाउंट की क्या सेटिंग करनी होती है। तो देखिएगा, जिसके लिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सब ट्रिक आपको अपने अकाउंट पर अप्लाई कर देनी है। एंड 100% आप इंस्टाग्राम पर ग्रो कर जाओगे और आपकी रील्स वीडियो वायरल भी होगी। तो गाइस, सबसे पहला जो काम है, आपको यहाँ पर बैक आना है एंड यहाँ पर आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपका इंस्टाग्राम ऐप अप टू डेट है या नहीं, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं होगा तो वो सेटिंग आपके अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको अपडेट कर लेना है एंड उसके बाद वो सेटिंग सभी आपके अकाउंट पर अपडेट हो जाएगी। एंड उसके बाद जो भी इंस्टाग्राम की तरफ से नए अपडेट आए होंगे वो आपके अकाउंट पर अप्लाई हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर लिखा होगा यू आर ए बीटा टेस्टर, यानी यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा भाई, आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई इस चीज से भी आपके अकाउंट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ पर लीव कर देता हूँ, यानी छोड़ देता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ इससे, तो यहाँ पर ये रीज्वाइन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रीज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, फिर ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली रीज्वाइन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है बीटा टेस्टर में। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। जिसे आप बैक आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दोबारा से अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर देखिए, मैंने इस वाले अकाउंट की तो ऑलरेडी सेटिंग करी है, यहाँ पर मेरे पास एक अकाउंट और है जिसकी मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा, आपको सेम सेटिंग अपने अकाउंट की भी कर देनी है। चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले उस वाले अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर मैंने इस वाले अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और इस वाले अकाउंट पर भी लाइक भी आ रही है, फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। एंड इस अकाउंट पर आप चेक कर सकते हो, कुल भाई 59 फॉलोअर है एंड यहाँ पर आप वीडियो के व्यूज चेक कर सकते हो, सिर्फ 3 पोस्ट है। एंड यहाँ पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हो, इस वाले अकाउंट पर भी वीडियो चलना स्टार्ट हो गई है, जबकि इस अकाउंट को मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मैंने इसके अकाउंट की क्या क्या सेटिंग की है और आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कुछ भी फेक नहीं है। कभी आप सोच रहे हो भाई फेक लाइक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख सकते हो 2,000 से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं एंड यहाँ पर लाइक आ रही है। जितने भी मतलब यहाँ पर बंदे हैं वो सभी यहाँ पर एकदम जेन्युइन फॉलोअर है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर भाई फेक फॉलोअर्स है या फिर फेक
कराइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने अकाउंट की क्या सेटिंग करनी है। तो गाइस देखिए, जो सबसे पहले सेटिंग है उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले थलैन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इससे भाई आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम जो है ना आपकी वीडियो को लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है, जो आपकी रील्स वीडियो होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, फिर से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी ऐसी सिलेक्ट नहीं करनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस अकाउंट पर लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पर एजुकेशन वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा। इससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पता चल जाएगा कि इस अकाउंट पर कुछ सिखाया जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। ठीक है, अगर ये आपका ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर देंगे, जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये जो पेज है या फिर ये जो अकाउंट है इस पर कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको डन कर देना, जिसे आप डन कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आता है, सबसे पहला है बिजनेस, दूसरा है क्रिएटर। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई बिजनेस नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको क्रिएटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप सिर्फ रील्स अपलोड करते हो, चाहे फिर आप लिपसिंग करते हो, शायरी करते हो, फिर जिस भी टाइप के आप रील्स अपलोड कर रहे हो बिजनेस को छोड़ के, तो यहाँ पर आपको क्रिएटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नोट नाउ पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली गेट इंस्पायर पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको मतलब दो तीन लोगों को फॉलो कर लेना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दो तीन लोगों को फॉलो कर लिया है, या फिर आप मतलब जिनसे इंस्पायर हो आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली राइट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ये आपका डन हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सबसे पहला है ग्रो योर ऑडियंस और जो सेकंड है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो इनको दोनों को छोड़ सकते हो या फिर आप इनको कंप्लीट भी कर सकते हो। जो पहले वाला है उसमें मतलब कुछ लोगों को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा और जो सेकंड है उसमें आपको मतलब अपनी सेल्फी वगैरह लेनी पड़ेगी, तो मुझे अभी वो सब नहीं करना है क्योंकि इसके बिना भी काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लोज के बटन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा, यानी अब आपका अकाउंट प्रोफेशनल बन चुका है। अब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मतलब वो सब देख पाओगे कि आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव रहती है, फिर कहाँ कहाँ के लोग आपको देखते हैं, वो सब आप पता लगा पाओगे। ठीक है, और साथ ही गाइस इंस्टाग्राम ने इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर दिया है, वो है एड्स इन प्रोफाइल फीड। ये भी इंडिया में पूरी तरीके से आया नहीं है, जैसे ये पूरी तरीके से आ जाएगा इसकी मदद से आप पैसा कमा पाओगे। तो ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर बात करते हैं और सेटिंग की, कि आपको अपने अकाउंट की और सेटिंग क्या करनी है। उसके बाद हम ये जानेंगे इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो सही तरीके से अपलोड कर सकते हो जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की और कुछ जरूरी सेटिंग कर लेते हैं जिससे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लान पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ जो कि आपको करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली पोस्ट स्टोरी एंड कमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको सभी को फ्रॉम एवरीवन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका मतलब यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको फ्रॉम एवरीवन कर देना है, ये सभी के लिए। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा कमेंट लाइक्स एंड पिंस का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इसको भी ऑन कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज। ठीक है, तो इसको भी आपको एवरीवन कर देना है। इतना काम करने के बाद आप बैक आ जाएंगे, जैसे आप बैक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ये ऑप्शन मिलता है न्यू फॉलोअर्स। ठीक है, तो आपको इसको ऑन रखना है। सेकंड है एक्सेप्टेड फॉलो रिक्वेस्ट, इसको भी आपको ऑन रखना है। तीसरे वाला है भाई अकाउंट सजेशन, इसको भी आपको ऑन रखना है। और थर्ड है मेंशन इन बायो, इसको भी आपको फ्रॉम एवरीवन रखना है। ठीक है, ये सेटिंग आपको चेक कर लेनी है, यानी यहाँ पर आपका ऑन और फ्रॉम एवरीवन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप इसको बैक कर देंगे, जिसे आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है लाइव एंड रील, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है ओरिजिनल ऑडियो आपका ऑन है या नहीं। ठीक है, अगर आपका ये ऑफ होगा तो आप इसको ऑन कर लेंगे। सेकंड रिमिक्स, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। थर्ड है यहाँ पर लाइव वीडियो, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पर रिसेंट अपलोडेड रील, ये भी आपको ऑन रखना है, यानी कुल मिलाकर ये वाले ऑप्शन भी आपको ऑन रखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको बैक कर देंगे, जैसे आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्रॉम इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ये सब सेटिंग चेक कर लेनी है। ये सभी सेटिंग भी आपकी ऑन होनी चाहिए, अगर ये आपकी ऑन है तो ठीक है, अगर आपकी ये ऑफ होगी तो आपको सिंपली इनको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है, जैसे आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इसको और बैक कर देना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टैग एंड मेंशन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है ये आपका अलाउड टैग्स फ्रॉम एवरीवन है या नहीं। ठीक है, अगर आपका इनमें से मतलब कोई और सा हो
रखा होगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ टैग्स फ्रॉम एवरीवन पर क्लिक करना है, और जो सेकंड है हु कैन मेंशन यू, इस पर भी आपको अलाउ मेंशन फ्रॉम एवरीवन कर देना है। ठीक है, जैसे आप ये कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एंड जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा मैंने इसकी वजह से भी आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है। ठीक है, तो गाइस वो ऑप्शन है ये, तो गाइस इस ऑप्शन को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको शेयरिंग एंड रिमिक्स पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको चेक करना है ये आपका अलाउ पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरेज, ये आपका ओन है या नहीं, मतलब कुल मिलाकर ये सभी आपके ओन होने चाहिए। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैंने व्हाट पीपल कैन रिमिक्स, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको इन तीनों को एनेबल कर देना है। अगर आपके ये ओन नहीं होंगे तो इंस्टाग्राम आपकी रील्स को लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा, ना ही वो वायरल होगी। ठीक है, तो आपको इन चेक करना है ये आपके ओन है या नहीं, अगर आपके ये डिसेबल हो गए तो आप इनको एनेबल कर लेंगे। जैसे आप इनको एनेबल कर देंगे उसके बाद जो सबसे ज्यादा मैंने वो है रिकमेंड ऑन फेसबुक। ठीक है, अगर ये आपका होगा भाई आप इसको सिंपली एनेबल कर लेंगे, यानी आप इसको ऑन कर देंगे। अगर आपका ये ऑफ होगा ना तो आपकी रील्स वीडियो कभी भी वायरल नहीं होती है, तो आपको चेक लेना है अगर आपका ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लेंगे। एंड इतना काम करने के बाद आपको बैक आ जाना, जैसे आप बैक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और मिलता है वो है डाटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऊपर वाला है ना डाटा सेवर, सिंपली आपको इसको डिसेबल कर देना है, और जो नीचे वाला है ना अपलोड एट ए हाइस्ट क्वालिटी, आपको इसको एनेबल कर देना है, यानी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा भाई, जब भी आप लोग अपनी रील्स वीडियो को अपलोड करोगे तो वो हाई क्वालिटी में अपलोड होगी, और इस चीज का आप लोगों को अच्छे से पता है, जिस रील्स वीडियो में क्वालिटी होती है यानी इंस्टाग्राम उस रील्स वीडियो को वायरल कर देता है। तो गाइस ये सेटिंग करने के बाद आप बैक आ जाएंगे, जैसे आप बैक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग और है जो कि लास्ट है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे आपको इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करनी चाहिए, एंड उसके बाद हम ये जानेंगे इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस आपको सिर्फ एक सेटिंग और करनी है, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको कनेक्टेड एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है, जिसे आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहला है सेनिंग अक्रॉस प्रोफाइल, जो दूसरे वाला है वो है लॉगिंग इन विद अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पहले वाला है उस पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको सिंपली एड अकाउंट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको सिंपली एड फेसबुक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जिसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अपने फेसबुक अकाउंट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा भाई, जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई रील्स वीडियो अपलोड करोगे तो इंस्टाग्राम जो है ना उस रील्स वीडियो को आपकी फेसबुक पर भी रिकमेंड करेगा, जिससे क्या होगा उस वीडियो पर ज्यादा एंगेजमेंट आएगा और वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करने का, यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपके सामने आपके सभी पेज दिखाई देंगे जो भी आपने फेसबुक पर बना रखे होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पेज सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम जो है ना आपकी रील्स वीडियो को फेसबुक पर भी रिकमेंड करेगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद यहाँ पर उसको बैक कर देंगे। जैसे आप इसको बैक कर देंगे, अब गाइस आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की सभी सेटिंग तो हो गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी रील्स वीडियो को बूस्ट कैसे करना है जिससे आपकी वीडियो चल जाए। ठीक है, तो आपको अपनी रील्स वीडियो को बूस्ट कैसे करना है तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो देखिएगा, रील्स वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले रील वाले सेक्शन में है, एंड उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो को फाइंड करना है, यानी आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक को ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो भी ऑडियो है भाई ट्रेंडिंग में है। ठीक है, यानी जो भी बंदे इस ट्रेंडिंग ऑडियो पर रील वीडियो बनाएंगे, या फिर इससे अलग जो भी रील्स वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही होगी, यानी जो भी बंदे ट्रेंडिंग ऑडियो पर रील्स वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, गाइस यहां से आप पता लगा सकते हो, अगर किसी भी रील्स वीडियो पर अगर ये एरर आए ना तो वो ऑडियो भी ट्रेंडिंग पे, अगर आप उस पर रील्स वीडियो बनाते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी रील्स वीडियो वायरल होगी। लेकिन वहीं अगर आप मतलब इस टाइप की रील्स वीडियो बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जैसे कि ये ऑडियो आ गई है, ठीक है, यहां पर अभी एरर शो नहीं कर रहा है, तो अगर हम इस टाइप की ऑडियो पर रील्स वीडियो बनाते हैं तो वहां पर जो है ना भाई ना के बराबर ही चांस होते हैं रील्स वीडियो वायरल होने के। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब कि जो भी ऑडियो ट्रेंडिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑडियो भी ट्रेंडिंग में है, तो आपको करना क्या है भाई, सिंपली आपको जो भी ऑडियो ट्रेंडिंग है वो सिंपली आपको उसी ऑडियो पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहां पर आप प्रूफ के साथ देख भी सकते हो, ये ऑडियो भी ट्रेंडिंग में है, यानी यहां पर ट्रेंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको चेक कर लेना है ये ऑडियो भी ट्रेंडिंग में भी है या नहीं। ठीक है, या वैसे ही बना रहे हो, अगर वो ट्रेंडिंग में होगी तभी आपको उस पर रील्स वीडियो बनानी है, यानी अगर वो ऑडियो भी ट्रेंडिंग में है तो आपको करना क्या भाई, यहां पर आपको उस म्यूजिक को सेव कर लेना है, या फिर यहां पर आपको सिंपली यूज ऑडियो पर क्लिक करना है। जैसे आप यूज ऑडियो पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहां से आप रील्स वीडियो शूट कर सकते हो, बट यहां से मैं रील्स वीडियो शूट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भाई पर्सनली अपनी आवाज में रील्स वीडियो को बनाया हुआ है, तो
मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको बैक कर दूंगा एंड यहाँ से सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम रील वाले सेक्शन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये वाली रील मैंने बनाई थी, तो यहाँ पर मैं इस वाले रील को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसे हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारी ये ऑडियो आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, इसीलिए उनकी रील्स वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से मनाना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कैप्शन लिखना होता है। इंस्टाग्राम ने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि वराइट है कैप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कैप्शन लिखना होता है। अब यहाँ पर कैप्शन का मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट हैशटैग लगा दिया। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो जो है ना डायरेक्टली हैशटैग लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रील्स वीडियो वायरल ही नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक कैप्शन लिखना है। कैप्शन में आपको लिखना क्या है, कैप्शन में आपको वही लिखना है जो आपने अपनी रील्स वीडियो में बताया है, फिर जिस भी टाइप की आपकी रील्स वीडियो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरी रील्स वीडियो है, मैंने इसमें ऐसा कुछ बताया कि आपका फोन आपके सारे काम खुद ही कर देगा, ठीक है, यानी आपको टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप फोन को बोलोगे आपका फोन करता जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो इस वीडियो के कैप्शन में मैं लिख दूंगा बिना टच किए सारे काम करेगा आपका फोन। अब गाइस मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ बताया, और सेकंड चीज ये कि जो भी बंदा रील्स वीडियो को स्क्रॉल कर रहा होगा और जैसे ही उसके सामने मेरी रील्स वीडियो जाएगी, वो जैसे ही ये कैप्शन देखेगा बिना टच किए सारे काम करेगा आपका फोन, तो वो इस रील्स वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा, वो देखेगा कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, जिससे क्या होगा कि इस वीडियो पर एंगेजमेंट अच्छा खासा आएगा। तो कैप्शन लिखने से आपको ये फायदा होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको हैशटैग कैसे लगाना है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको डॉट लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नीचे आना है, डॉट लगा देनी है, नीचे आना है, डॉट लगा देनी है, नीचे आना है, डॉट लगा देनी है, मतलब ऐसे करके यहाँ पर आपको 5 से 6 डॉट लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ हैशटैग लगाने हैं। अब यहाँ पर आपको हैशटैग कैसे लगाने, तो देखिएगा जिस भी टाइप की आपकी रील्स वीडियो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फनी रील्स है तो आपको फनी लगाने, अगर आपकी सैड रील है तो आपको सैड लगाने, अगर आपकी वहाँ पर मोटिवेशनल रील है तो आपको मोटिवेशनल लगाने। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी रील वीडियो टैग कैटेगरी में आती है, तो यहाँ पर मुझे सारे टेक्निकली हैशटैग लगाने पड़ेंगे, यानी जो टैग्स रिलेटेड होंगे। अब आपको हैशटैग कहाँ से लेने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर वो सिंपली गूगल पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सर्च करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे टेक्निकल हैशटैग चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, मैं लिख दूँ टेक्निकल हैशटैग, या फिर मैं लिख दूँ टैग, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा हैशटैग, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम चीज़ करनी है, अगर यहाँ पर मैंने टैग लिखा है, आपको टैग नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर अगर सैड साइड है तो यहाँ पर आप सैड लिखेंगे, सैड हैशटैग लिखेंगे। अगर आपके यहाँ पर फनी रील्स है तो यहाँ पर आपको सिंपली फनी हैशटैग सर्च करने, यानी यहाँ पर कुल मिला के आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर दूंगा टैग हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम, जिसे आप इसे सर्च कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने काफी सारी वेबसाइट आ जाती है, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी बेस्ट हैशटैग के नाम से, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली एक क्लिक में यहाँ से आप मतलब सभी हैशटैग को कॉपी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कॉपी पर क्लिक कर दिया, तो यहीं सभी हैशटैग अभी कॉपी हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से इंस्टाग्राम पर आ जाना, जैसे आप इंस्टाग्राम पर आ जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ उन हैशटैग को सिंपली पेस्ट कर देना, जैसे आप पेस्ट कर देंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कैप्शन भी लिख दिया है एंड उसके बाद यहाँ पर हमने डॉट डॉट भी लगा दिया है एंड उसके बाद यहाँ पर हमने हैशटैग को भी लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है आल्सो शेयर टू फीड, ठीक है। तो आपको इसको ऑन रखना है, काफी सारे बंदे आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई आप इसको ऑफ रखिए, आपको बिल्कुल भी ऑफ नहीं रखना है। अगर आप इसको ऑफ रखोगे भाई आपकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होगी, आपको मतलब आल्सो शेयर टू फीड इसको आपको ऑन रखना है, ठीक है। ये तो आप समझ गए, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, यानी यहाँ पर आपको सिंपली टैग पीपल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो किसी को भी टैग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रील्स वीडियो वायरल नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई उस बंदे के 20 मिलियन फॉलोअर है तो मैं इसको टैग करूंगा तो मेरी रील्स वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ टैग उसी बंदे को करना है जो आपकी कैटेगरी से मैच करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो रील्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना वो है भाई टेक्निकल कैटेगरी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को टैग करूंगा जो मेरी कैटेगरी में आता हो, ठीक है, या फिर जो मेरी जैसी वीडियो बनाता हो, ठीक है। तो आपको मतलब सेम चीज करनी है, जैसे कि अगर आप फनी वीडियो बना रहे हो या फिर आप मतलब सैड शायरी बना रहे हो, ठीक है, यानी फनी वाले को टैग करें और जो सैड वाले हैं वो सैड वाले को ही टैग करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये काम करते हो इससे क्या होता है, तो इससे आपको फायदा ये होता है आपकी रील्स वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाती है जो सैड वीडियो देखना पसंद करते हैं, ठीक है, और उनको जैसी वो पसंद आती है वो आपकी रील्स वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, जिससे आपकी वीडियो पर एंगेजमेंट आ जाता है और आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से किसी बंदे को टैग कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टैग कर देता हूँ शिवम मलिक को, ठीक है, क्योंकि ये भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है इनवाइट कॉल बैटर का, ठीक है, अगर आप इसका यूज करते हो आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि आप जिस भी बंदे के साथ कोलैब कर रहे हो या फिर जिस भी बंदे को आपने कोलैब में ऐड किया है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो आपकी रील्स वीडियो की रीच रुक जाती है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी साथ कोलैब कर भी रहे हो ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसी बंदे के साथ कोलैब करना है जो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या फिर आपका कोई दोस्त हो आप खुद से एक्सेप्ट कर लो उसके अकाउंट पर जाकर, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको मतलब किसी के साथ ऐसे कोलैब नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा नहीं और आपकी रील्स वीडियो की रीच रुक जाएगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए, सिर्फ आपको टैग करना है, आप जितने भी बंदों को टैग करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-3 बंदों को टैग करना चाहते हो या फिर 4-5 बंदों को टैग करना चाहते हो, उतनों को आप टैग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले इंसान पर क्लिक कर देना है, जिससे आप राइट वाले इंसान पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके
का इंटरफेस हो जाएगा। अब गाइस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहां पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है रिकमेंड ऑन फेसबुक, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपका ये ओप्पो का तो आप इसको ऑन कर लेना है, उसके बाद यहां पर बैक करना है जिसे आप बैक करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। आपको यहां पर ये चेक करना है आपका ये यहां पर एनेबल है या नहीं, अपलोड एट ए हाईएस्ट क्वालिटी। अगर आपका ये एनेबल नहीं होगा तो आपको सिंपली इसको एनेबल कर लेना है, जिसे आप इसको एनेबल कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सिंपली बैक करना है जिसे आप बैक करेंगे, एंड उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जिसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपको शेयर पर क्लिक कर देना है जिसे आप शेयर पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी रील्स वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी रील्स वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो ये चीज तो आप समझ गए कि आपको अपने अकाउंट की सेटिंग क्या करनी है और आपको अपने अकाउंट पर रील्स वीडियो अपलोड कैसे करनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अपनी रील्स वीडियो को बूस्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग में आपको व्यूज कैसे लाना है जिससे आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाए। तो गाइस देखिए जो सबसे पहली चीज है, आपको अपने अकाउंट पर यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस गलती को काफी सारे लोग करते हैं, यानी कि आपको अपने अकाउंट पर अपनी रील्स वीडियो को खुद से नहीं देखना है, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे वो रील्स वीडियो को अपलोड कर देते हैं उसके बाद वो खुद से सबसे पहले लाइक करते हैं एंड वो खुद ही अपनी रील्स वीडियो को बार बार देखते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ जाता है कि आप जो है ना अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी खुद देख रहे हो अपनी वीडियो को, ठीक है। तो फिर ऐसे में होता क्या है कि इंस्टाग्राम जो है ना आपकी उस रील्स वीडियो को लोगों को रिकमेंड नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी रील्स वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, या फिर थोड़े बहुत अगर आ भी जाते हैं तो फिर 1000-2000 व्यूज आने के बाद या फिर 1500 व्यूज आने के बाद आपकी वीडियो पर व्यूज आना अचानक से बंद हो जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई अगर हम ये गलती नहीं करेंगे तो हम स्टार्टिंग में उस पर व्यूज कैसे लाएंगे, लाइक कैसे करेंगे। तो देखिएगा यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको सबसे पहले अपने दोस्त का कोई फोन लेना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त का फोन लिया, तो मैं इसमें अपना अकाउंट सर्च करूंगा, मैं अपनी आईडी को सर्च करूंगा एंड उसके बाद मैं अपनी रील्स वीडियो को देखूंगा वो सही से बनी है या नहीं, एंड साथ ही मैं फोन से उस वीडियो को लाइक भी करूंगा और उस वीडियो पर कमेंट भी करूंगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई एक ही फोन से लाइक करने से क्या होगा, तो देखिए जो आपके दोस्त का फोन है उसमें मतलब एक आईडी तो होगी नहीं, क्योंकि आज के टाइम में सबके फोन में 2-2-3-3 अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो आप उस रील्स वीडियो को 2-3 अकाउंट से लाइक भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। और आपको ध्यान रहे कि आपको जो ना कमेंट कुछ ऐसा करना है, मतलब कि आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, यानी नाइस नहीं लिखना है, वो सब मतलब ये सब जो कमेंट है ना आपको ये सब नहीं करने है। मतलब आपको कमेंट कुछ ऐसा लिखना है कि जो भी बंदा आपकी रील्स वीडियो पर आए और वो जैसे ही आपके कमेंट सेक्शन को ओपन करे वहां पर उसको कुछ ऐसा कमेंट दिखाई दे जो कि लॉन्ग कमेंट हो, यानी कि थोड़ा लंबा कमेंट हो, पढ़ने में उसे थोड़ा टाइम लग जाए जब तक आपकी रील्स वीडियो पूरी चल जाएगी, जिससे आपकी वीडियो पर एंगेजमेंट बन जाएगा। ज्यादातर बंदे ऐसे होते हैं कि रील्स वीडियो तो बहुत कम देखते हैं, वो जाते हैं सीधा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यानी कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर चेक करते हैं कि किस किस बंदे ने क्या क्या कमेंट करके हैं, तो वहां पर आपको कमेंट लिख देना है। आपको यहां पर मतलब खेल जाना है, आपको वहां पर कमेंट कुछ ऐसा लिख देना है जो कि मतलब थोड़ा लंबा सा कमेंट हो, या तो कुछ शायरी लिख देनी है या फिर मतलब कुछ ऐसा लिख देना है जिससे वो बंदा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही वो पढ़ेगा, जब तक आपकी रील्स वीडियो 2-3 बार चल चुकी होगी, उससे आपकी वीडियो पर एंगेजमेंट बन जाएगा एंड आपकी रील्स वीडियो के वायरल होने के चांस बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रील्स वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत से व्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत से वायरल हो जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी कोई रील्स वीडियो अपलोड कर देते हो इंस्टाग्राम पर, उसके 1 या फिर 2 घंटे के बाद रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है वो तुरंत से लाइक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो वहां पर आपको जो देखने को मिलेगा 1-2 घंटे के बाद वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट होते हैं और तब लाइक आना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपके आईडी पर 1000-2000 फॉलोवर है, या फिर 10000 फॉलोवर है, या फिर 20000 फॉलोवर है, या फिर आपके अकाउंट पर जितने भी फॉलोवर है, अगर आप सही समय पर सही टाइम पर रील्स वीडियो को अपलोड करोगे तो वो आपकी रील्स वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ ही कमेंट भी करेंगे और आपकी रील वीडियो को पूरा भी देखेंगे, जिससे आपकी वीडियो पर एंगेजमेंट बन जाएगा और साथ ही आपकी रील वीडियो वायरल होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन ये काम तभी होगा जब आप अपनी रील्स वीडियो को सही टाइम पर अपलोड करोगे। अब सही टाइम क्या है आप ये सोच रहे होंगे, तो देखिए आपको जो ना मतलब खुद से चीज पूछने के लोग किस टाइम फ्री रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शाम के 6 बजे लोग फ्री रहते हैं, तो आपको मतलब फिक्स टाइम पर तो अपलोड नहीं करनी है। आपको मेरे हिसाब से 6:30 या फिर 7 बजे के टाइम रील अपलोड कर देनी है, फिर 8 बजे रील अपलोड कर देनी है, या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, आप जो ना मतलब सुबह के टाइम रील अपलोड करिए, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जैसे ही कोई उठता है ना, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन करता है, रील्स वीडियो में जाता है और वो रील वीडियो को देखना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपकी रील्स वीडियो वायरल हो जाए। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई कैसे आपको अपनी रील्स वीडियो को अपलोड करना है, कैसे आपको बूस्ट करना है और कैसे आपको हैशटैग लगाने हैं और सही टाइम क्या है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, तो भाई आप लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। और हाँ गाइस, आपको इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है तो ये वीडियो देखो, और रील्स वीडियो वायरल करनी है तो ये वीडियो देखो।